नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर बलिया जनपद से। बलिया में कॉलेज के गेट के सामने छात्र नेता की हत्या, छात्र नेता की बैट से पीट पीट कर हत्या। एसपी ने चपलियनगंज चौकी इंचार्ज को किया लाइन हासिल। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सोजे सहित कई टीम गठित। सपा जिला अध्यक्ष व भारी संख्या में छात्र नेता जिला अस्पताल पहुंचे। छात्रों में बहुत ही लोकप्रिय रहे छात्र नेता हेमंत यादव। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र नेताओं की आपसी रंजिश में परीक्षा देकर बाहर निकल रहे दो छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक छात्र नेता की बैट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरा छात्र आलोक यादव गंभीर रूप में वाराणसी रेफर कर दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने इस मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने जपलीनगंज चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल सहित अन्य नेताओं और भारी संख्या में छात्र नेता जिला अस्पताल पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सोजे सहित कई टीम गठित कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने का परिजनों को भरोसा दिलाया। वहीं जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में भीड़ मृतक छात्र नेता के अंग्रेज को घेरी रही। भाई कुछ भी होगा पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, पहले उन पर कार्रवाई करेंगे, अब हम लोग कुछ करेंगे। नहीं नहीं सर, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। अब नहीं तारीख हम सब देंगे, एक बार हम लोगों को सबको बुला लीजिए। ये बताइए आप परीक्षा दिखा रहे हैं उसको बेहरामी से मारे स्टाम्प का बैग, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं हमको बोला था अभी 10 दिन पहले एक किसी की हत्या हुई थी, उसी बिहार से आया हुआ था, हत्या कर दी गई। इस तरह से क्या चल रहा है इस जिला में, बताइए ना इस जिला में क्या चल रहा है सर, बताइए। हमारा भाई बोला तो पंचायत में ये लोग मार दिया। बताइए क्या चल रहा है, या तो होने जा रहा है उन लोगों के पीछे अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल की अभिरक्षा में शव को पीएम हाउस पहुंचाया गया। अस्पताल में छात्रों की मौजूदगी छात्र नेता हेमंत यादव की लोकप्रियता की गवाही दे रही। छात्र नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा किया। फिलहाल एसपी की माने तो परिजनों की तहरीर पर 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। छात्र नेता की हत्या के बाद एसपी बलिया राजकरण नैया ने क्या कहा, आप भी देखें। भारत मीडिया के लिए बलिया से सैयद आसिफ हुसैन जैदी की रिपोर्ट। गेट पर किस तरह की घटना हुई है और कौन लोग घायल या डेड हुए हैं? सर ये थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत एससी कॉलेज के बाहर आज पीडी कॉलेज के कुछ छात्रों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक छात्र को सर पे क्रिकेट बैट लगने की वजह से चोट आई थी, जिसके संबंध में उसको जिला अस्पताल बलिया लाया गया, जहां से उनको यहां से रेफर कर दिया गया। रेफर करके उनको मऊ लेकर के गए थे, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर कोई गिरफ्तार हुआ है अभी तक? अभी हमारी टीम इसके लिए लगी गई है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया, एक टीम सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में अलग से गठित की गई है और एसओजी की टीम, हमारी सभी टीम्स लगी हुई है और जल्दी जैसी गिरफ्तारी होती है आप लोगों को अपडेट करेंगे। क्या पता चला सर, इंचार्ज को भी निलंबित किया गया सर? जी हाँ, इस संबंध में जो हमारे जापलीनगंज थाना कोतवाली के जापलीनगंज चौकी प्रभारी है उनको निलंबित कर दिया। ये घटना का कारण क्या है? अभी तक जो परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें 9 लोगों को नामजद किया गया, बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई में जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को। सर आज पेपर था वहाँ पर, पेपर के दौरान कोई वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे? देखिए पुलिस, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिसकर्मी की वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी और इसी लापरवाही के संबंध में अभी चौकी प्रभारी को निलंबित करके इसमें प्रारंभिक जांच करवाई जा रही है। बाकी क्योंकि अचानक से छात्रों के बीच में जो झगड़ा हुआ है और उसमें जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट बैट सर पे लगने से उस व्यक्ति को अंदरूनी चोट आ गई थी जो कि गंभीर थी, जिसके चलते मृत्यु हुई है। तो इन सब तथ्यों में जो भी विवेचना में आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। उनका इलाज चल रहा है, इस समय उनसे बातचीत हो रही है, उनका बयान रिकॉर्ड करके उसे विवेचना में सम्मिलित करते हुए आगे जो हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी उसमें उनके बयान को सम्मिलित किया। क्या मारपीट के संबंध में कोई उनकी तरफ से ये बताया गया कि क्या क्यों मारा, मारपीट की घटना
हुई सर। क्योंकि ये विवेचनात्मक कार्रवाई है, इस संबंध में अभी आप लोगों को बताना जल्दी होगा, जैसे विवेचना में इन चीजों का खुलासा होता है तो आप लोगों को एडिशनल प्रेस रिपोर्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। छात्र परीक्षा देने गया था कि मतलब दिलाने गया था, परीक्षार्थी थे कि क्या थे? अभी तक जो पता चला है बीए के छात्र थे जो परीक्षा देने गए थे, जो आरोपी हैं वो बीएससी के उसी कॉलेज के, एक ही कॉलेज के बीएससी के छात्र थे, उस संबंध में उस समय इनकी मारपीट हुई। यानी घटना कारित करने वाले दोनों पक्ष टीडी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जी, टीडी कॉलेज के। धन्यवाद। देखिए कुछ यहाँ पे लोगों का इस संबंध में, कुछ लोगों के द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया था कि जब उसको जिला अस्पताल लेके जाया आया गया तो उस समय यहाँ पे उसको इलाज नहीं मिला, जिसके चलते रेफर करने गया। इस संबंध में डीएम साहब से बात करके, कि मैं पुलिस विभाग की तरफ से आप लोगों को बाइट दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे आवश्यकताएं होंगी वो डीएम साहब से निश्चित रूप से बात करके उस संबंध में भी बता दिया गया कि किया जाए। थैंक यू सर।